जय हिंद दोस्तों क्या हाल हाँ चाल आप सभी के तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका पूरा अग्निवीर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा जिसमें हम पूरे पचास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 प्लस टारगेट आप सभी के या फिर चैलेंज रहने है। पेपर आपका स्पेशली के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेड रहेगा चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला भाग जो रहता है सेक्शन जो रहता है जर्नल नॉलेज का रहता है जनरल नॉलेज के पंद्रह क्वेश्चन से आपके लिए जो टारगेट रहेगा फोर्टी क्वेश्चन का टारगेट रहेगा चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जो दोस्त ऑनलाइन चढ़ चुके हैं सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा पहला आपके सामने जल्दी से कौन सा था। दी, है। भारत छोड़ो खिलाफत आंदोलन चंपारण आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या रहेगा वेंसर द्वारा जो है या बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है इन दोनों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया, चलाया गया था क्या होम रूल आंदोलन आपको बताना है, है एरिट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है कौन से वर्ष करी गई थी क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है नोबल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन बिच सिटी नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या रहेगा नोबल प्रीस प्राइज जो है ये कौन से शहर में दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है और ओस्लो आपका कहां है नॉर्वे में स्थित है कहां पर स्थित है नॉर्वे में स्थित है तो सीधा आपसे जो है पूछ सकता है कि शांति का नोबल प्राइज जो है कहां पर दिया जाता है कौन से देश में दिया जाता है नॉर्वे में आपका दिया जाता है और आपको बताना और बाकी जो नोबल पुरस्कार जो है कौन से देश में दिए जाते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है ऑप्शन है रिंग सौम यजुर्वेद या फिर अथर्व वेद जल्दी से क्वेश्चन नंबर तीन का दोस्तों राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है कर्म कांड से संबंधित है तो यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है कर्म कांड से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है वियॉन्ड ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है वियॉन्ड ड्रीम गर्ल ए बायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस अगर आपको मूवी आपने पुरानी फिल्म देखी होगी तो आपको है, ड्रीम, किसे है? ड्रीम गर्ल किसे डी तो जो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने दोस्तों चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था टू स्टेप ऑन द मून ऑप्शन है नील ंग यूरी गॉग्रीन, माइकल क्रार्क या इनमें से कोई नहीं जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का दोस्तों राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या रहेगा चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था कौन थे नील आर्मस्टोंग थे ऑप्शन नंबर है इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर छ आपके सामने है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था हु इनवेटेड टेलीविजन ऑप्शन है क्यूरी न्यूटन एलवर्ट आइंस्टाइन या फिर जे एल चोन लोगी से क्वेश्चन नंबर छ का राइट आंसर बताइए दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जो है में से किसके द्वारा किया गया था जे एलवेड का द्वारा किया गया था नहीं चौल लोगी बेड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है बिच स्टेट द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और आर्मी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है ऑप्शन है सिक्किम बिहार उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश तो बौद्ध धर्म का पालना कैसे कहाता है बिहार को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है होबाजी य ऑफ इंडिया वेन वाज रॉयल एक्ट वॉज पास जब रॉयल एक्ट पास पारित हुआ था यानी रॉयल एक्ट जो है पारित हुआ था था उस समय भारत का वायसराय कौन ऑप्शन है इरविन रीडिंग या फिर वेवेल जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर आठ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो जब जो है रॉयल्ट एक्ट पारित किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे लॉर्ड चैम्स फोर्ट दे कौन थे लॉर्ड है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वैनबाज दी रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया ऑप्शन है 16 अप्रैल 1850 16 अप्रैल अठारह 16 अप्रैल 1855 या फिर 16 अप्रैल 1860 को जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर बताइए राइट आंसर क्या रहेगा भारत में जो रेल के रेलवे की शुरुआत हुई थी कब तिरपन को कब 1853 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा रहेगा और 16 अप्रैल सभी को याद होता है तो 16 अप्रैल क्या 1853 में जो है किसकी शुरुआत भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी ये कहा चली थी मुंबई से थाने तक आपकी चली थी अब आपको बताने कितने किलोमीटर चली थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट right आंसर बताइए और सेशन को जिन्हें दा लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दस आपके सामने है वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है ऑप्शन है वीना में कुवैत शहर में अल्जीरिया में या फिर तेहरान में जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट right आंसर क्या रहेगा वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ऑपेक ऑपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है वेना में स्थित है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए बास्केटबॉल इज ऑप्शन है चार पांच छ या फिर आठ जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट right आंसर क्या रहेगा फुटबॉल में बास्केटबॉल में फुटबॉल में नहीं बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है पांच होती है ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कलारिय पट्टू भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला है कल्ल पट्टू इज ए फेमस फ्लोग आर्ट ऑफ बिच स्टेट ऑफ इंडिया ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा केरल तमिलनाडु गुजरात या फिर महाराष्ट्र ये फेमस है अब याद रखना कल्याण पट्टू जो है ठीक है कल्याण पट्टू जो है एक बार की क्या है एक बार का आपका कराटे है ठीक है एक प्रकार का कराटे है जो कि फेमस है हमारे नाम ठीक है हमारे साउथ इंडिया में ये फेमस है पट्टू के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना याद रखनी है बहुत ही पुराना है इसे माना जाता है ठीक है अब मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है इंग्लिश में से क्या कहते हैं ठीक है थीके? बहुत ही पुराना इसे आर्ट माना जाता है और यह किस राज्य से संबंध रखता है ये आपका केरल राज्य से संबंध रखता है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा यह क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके सामने है हु कंस्ट्रक्टेड फेमस वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है इसमें याद रखना है पूरी में स्थित जगन्ना जगन्नाथनी पूरी में आपकी एक रथ यात्रा निकाली जाती है क्वेश्चन इस तरह से आपके 2020 में पूछा गया था कि पूरी में एक रथ यात्रा निकाली जाती है किस देवता से आपकी इस मंदिर थी शिव जी से ऐसे से ऐसे से जिसमें जगन्नाथ इसका राइट आंसर रहेगा और जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी उड़ीसा में इसका निर्माण किसने करा था ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा कृष्ण बर्मा अनंत वर्मन देव देवा वर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर मैच कीजिएगा पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था अनंत वर्मन ने करवाया था ऑप्शन नंबर यात्रा? यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ देवता की जो है यात्रा निकाली जाती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके सामने है उन्नीस की लड़ाई डैश के बीच हुई थी द सिक्सटी फाइव बोर ट प्लेस बिटवीन भारत और चीन के बीच भारत और रूस के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच या फिर हमारे प्यारे भारत और बांग्लादेश के बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंद्रह उन्नीस सौ पैंसठ युद्ध और उन्नीस का युद्ध ठीक है उन्नीस का युद्ध हुआ था सबसे पहले किसके साथ चाइना के साथ उन्नीस का युद्ध जो है तीन साल बाद जो जो है 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 पाकिस्तान ने सोचा कि जो है, क्या थोड़ा है, कमजोर हो गया तो तो भारत तो और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था उन्नीस का युद्ध हुआ था जिसमें कौन जीता था बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा प्यारा भारत जीता था क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपके सामने है ब्रिटिश काल के दौरान भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी ध्यान सुनिएगा भारत की पहली जनगणना जो है ये कौन से वर्ष हुई थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए बहुत बार करवा चुका हूं किसके काल में हुई थी ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा डफरिन लेनी लॉर्ड डिन लिटन मयो या फिर वरीपन। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन रहे नंबर का तो ब्रिटिश काल के दौरान जो पहली जनगणना हुई थी या फिर भारत की जो पहली जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में किसके लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ रहेगा और जल्दी से बताइए पंद्रह में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं और दोस्तों अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं और जिनका भी एग्जाम पंद्रह जनवरी को है वो हमारी ई बुक भी ले सकते हैं जिसका प्राइस नाइनटी नाइन है चलिए क्वेश्चन नंबर या सेक्शन बी की ओर पढ़ते हैं जनरल साइंस के टारगेट आपके लिए रहेगा पंद्रह में से फोर्टीन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने बिच लिक्विड इज यूज्ड एस ए रेफ्रिजरेटर इन दी रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला शीतलक तरल होता है शी... प्रशीतलक माफ कीजिएगा तरल होता है ऑप्शन सुनिएगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरो... फ्लोरो... फ्लोरो कार्बन है. क्लोरो फ्लोरोबन -फ्लोरो होता है वैसे क्लोरो से होता है पर फ्लोरोबन अमोनिया या फिर ऑक्सीजन जल्दी से क्वेश्चन नंबर सोलह काराइडस बताइए कि रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाने वाली प्रशीतकल ठीक है प्रशीतक प्रशीतक तरल कौन सा होता है कौन सा होता है अमोनिया होता है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर दस आपके माफ करिए सत्रह आपके सामने है पेट्रोलियम डैश का जटिल मिश्रण है पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा कार्बोनेट कार्बोलिक्स कार्बोलिक्स या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोनेट का

जिंक्रोनस का थोरियम का टाइटेनियम का या फिर आयरन का जल्दी से क्वेश्चन नंबर अठारह का दोस्तों राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर अठारह क्या रहेगा? मोनाजाइट जो होता है किसका को होता है थोरियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस आपके सामने है बिच ऑर्गन इफेक्टेड बाय डिप थीरिया से प्रभावित अंग है ऑप्शन है फेफड़े हृदय या फिर गला जल्दी से बताइए कौन सा अंग जो है डिपथेरिया से आपका प्रभावित होता है तो कौन सा गला हमारा जो होता है किससे प्रभावित होता है डिप्थीरिया से प्रभावित होता है डिप्थीरिया ऑप्शन नंबर डी गला इसका राइट आंसर आ रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस आपके सामने है विलोस्ती कैन वी मेजरड इन वेग को मापा जाता है अब बेग आपका ध्वनि का बेग हो सकता है ठीक है। ध्वनि का बेग मापा जाता है या फिर बेग को किसके द्वारा मापेते हैं ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड मीटर पर किलोग्राम मीटर पर स्पीड या फिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से क्वेश्चन नंबर बीस का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बीस का राइट आंसर क्या रहेगा ब्लॉस्टी को किसके द्वारा मापा जाता है मीटर पर सेकंड में मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियशील तत्व है यानी सबसे प्रतिक्रियाशील है तत्व छोड़ दो ठीक है तत्व छोड़ दो धातु की बात हो रही है तो तत्व इसका इंपोर्ट ही नहीं रहता रिएक्टिव एलिमेंट आपको बताना सबसे विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑप्शन है कॉपर कैल्शियम और पोटेशियम आयरन या फिर जिंक जल्दी से क्वेश्चन नंबर इक्कीस का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें से कौन सी धातु जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है तो कौन सी कैल्शियम और पोटेशियम ये दोनों क्या होती है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव एलिमेंट आपकी होती है क्वेश्चन नंबर बाईस आपके सामने है लोहे पर जंग लगना एक डैश है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीकरण अविक्रिया या फिर बोथ बी एंड सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब याद सुनना ध्यान से थोड़ा सुनना लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं एक रसायनिक क्या कहते हैं परिवर्तन भी कहते हैं पर ऑप्शन में पिछले साल पूछा गया था ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला गया था तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है दोनों ही राइट रहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर तेईस आपके सामने है डैश इज इट नॉट ए कंपाउंड डैश एक यौगिक नहीं है इनमें से यौगिक नहीं है जल हवा गंधक या फिर नमक जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर तेईस का राइट आंसर क्या रहेगा इनमें से कौन सा जो है एक यौगिक नहीं है तो हवा क्या है हवा जो है गैसों का मिश्रण है किसका गैसों का मिक्सचर है क्या है मिक्सचर है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर चौबीस आपके सामने है प्रोटीन हैज डैश चार्ज प्रोटीन में डैश आवेश होता है नेगेटिव इन पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा और आप सभी को मैंने बताया था प्रोटॉन की खोज किसने करी थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए और प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो पी से आपका पॉजिटिव आया पी से आपका प्रोटोन आया क्या आया प्रोटोन आया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस आपके सामने है पीलिया में शरीर का डैश अंग प्रभावित होता है बिच ऑर्गन इज इफेक्टेड बायस से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ऑप्शन है लिवर किडनी हार्ट या फिर ब्रेन यकृत ब्रिक ब्रेन यानी ब्रेन आपका दिमाग होगा ठीक है मस्तिष्क में कहते हार्ट आपका हृदय होगा और ब्रेन आपका मस्तिष्क होगा जल्दी से बताइए पीलिया से हमारे शरीर का और जॉन्डिस से होता है किसके कारण वायरस के कारण होता है जो कि हमने कल डिस्कस करा था और जॉन्डिस यानी पीरिया से जो शरीर प्रभावित होता है आपका वो कौन सा होता है यकृत होता है यानी लिवर आपका होता है क्वेश्चन नंबर छब्बीस से पहले सेशन को लाइक नहीं करा जिन दोस्तों ने जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा विश्ववद रेखा पर कोण का मान या फिर कोण का मान जो होता है कितना होता है ऑप्शन है जीरो डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री नब्बे डिग्री या फिर पैंतालीस डिग्री जल्दी से बताइए व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द द एट इक्वेटर इक्वेटर यानी रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है बिल्कुल से दोस्तों कितना होता है जीरो डिग्री होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर सताइस आपके सामने है पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं वट इज दिडल लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड इट उत्तरी सता पर, भूपर भूपरपट्टी क्रस्ट मेटल कोर या फिर इनमें से कोई नहीं याद रखना इस क्वेश्चन को सिंपल सा अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा हिंदी में मैंने ऐसा लिखा है हिंदी में कुछ और भी लिख सकता है पर इसका जो राइट आंसर रहेगा जो पृथ्वी का मध्य परत होती है उसे क्या कहा जाता है उसे मेंटल कहा जाता है क्या कहता है मेंटल मेंटल कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य सतह मेंटल जो है मेंटल इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने नोबल गैस की खोज किसने करी थी जल्दी से बताइए नोबल गैसों की खोज किसके द्वारा करी गई थी ऑप्शन है रदरफोर्ड विलियम लॉन्स विलियम रॉम्से इनमें से कोई नहीं हु डिस्कवरी थी नोबल गैसेस जल्दी से क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा नोबल गैसों की खोज किसके द्वारा करी गई थी विलियम विलियम द्वारा 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 किसके दवारा? जो है किसकी खोज नोबल गैसों की खोज करी गई थी जल्दी से बताइए टोटल जो है पृथ्वी पर कितनी नोबल गैसे पाई जाती हैं क्वेश्चन नंबर उत्तीस आपके सामने है खट्टे फलों में पाया जाता है ऑप्शन है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी या फिर उपभोक्ता सभी <coughs> अब खट्टे फलों में आपका मैक्सिमम जो पाया जाता है खट्टे फलों में सीधा एग्जाम्पल देता हूं आंवला ठीक है आंवले में आपका क्या पाया जाएगा आंवले में आपको पता है क्या जा जाता है सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है विटामिन सी आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइज का किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है मेटल टल स्काल लाइफ सेविंग मेटल ऑप्शन है यूरेनियम प्लूटोनियम रेडियम या फिर पारा जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टीन का राइट आंसर बताइए निम्न में से किस धातु को जीवन रक्षक लाइफ सेविंग एलिमेंट कहा जाता है राइट right आंसर क्या रहेगा रेडियम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर लीजिएगा अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जल्दी से सबसे पहले बता दिए जनरल साइंस के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे जल्दी से डिस्कस करते हैं मैथमेटिक के क्वेश्चन का ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चली हुई है पहला क्वेश्चन आपके सामने एक कुर्सी को सात सौ रुपए में बेचने पर चालीस प्रतिशत का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा सिंपल सा क्वेश्चन है जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या आएगा इसका फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुणा बटासो प्लस माइनस हानि विक्रय मूल्य कितना है सात सौ रुपए जो कि हमें पता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य जो कि सात सौ है एक सौ चालीस जीरो से जीरो कटा सात चौदह सात एकम सात दस आ गया दो से कटा पांच आ गया पांच से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया पांच सौ आ गया सिंपल था क्वेश्चन था फिर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बोलता सचिन एक पारी में क्रमशः पच्चीस पाँच तेरह एटी सेवन फिफ्टी एट सेवेंटी टू जीरो करिए टू थर्टीन एक सौ पाँच और चालीस रन जो है बनाता है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए अब बोलता है पच्चीस पांच तेरह एटी सेवन फिफ्टी एट सेवेंटी टू जीरो टू तेरह एक सौ पाँच और देखिएगा पच्चीस दस हो गए आठ दो कितने हो गए दस हो गए तीन दो पांच और पांच कितने हो गए दस हो गए तो टोटल कितने हो गए टोटल आपके चालीस हो गए तो जीरो एक कैरी आ गया और चार जो है ऊपर चले गए चार दो छत सात सात चौदह एक, एक पंद्रह हो गए ठीक है पंद्रह हो गए और पंद्रह और अट्ठावन है ठीक है ये अठावन है पंद्रह और पांच पंद्रह पांच कितने बीस हो गए ठीक है यहां तक तो बीस हो गए और बीस प्लस सात कितने हो 27 हो गए गए और 27 और, और अट्ठाइस चार अट्ठाईस चार कितने होते हैं जल्दी से बताओ अट्ठाईस चार कितने होते हैं बत्तीस, है. है? बत्तीस होते हैं कितने होते हैं बत्तीस होते हैं दो आ गया अब तीन कितना तीन कैरी बचा ठीक है तीन कैरी बचा तो 105 था जिसका एक ही कैरी बचता है कितना तीन एक चार कितना बन गया 420 उसके टोटल जो है उसके टोटल रन कितने आगे? टोटल रन उसके आगे 420 जो कि कितनी पारियों में थे? पारियों में में थे? थे 10 जीरो जीरो से जीरो कटा कितना? चार है, तो सबसे बड़ी संख्या बोली हुई है सबसे कितना है।, है, है, है पहली संख्या और अनुपात है दूसरी संख्या का जो कितनी है, एक और चार है सबसे बड़ी संख्या बोला याद रखना सबसे बड़ी संख्या आपसे बोला है कि हमें पता है कि अनुपात में सबसे बड़ा कौन है दूसरी संख्या है ठीक है जो कि चार है तो सबसे बड़ी संख्या भी कौन होगी सबसे बड़ी संख्या भी आपकी कौन होगी दूसरी ही संख्या होगी तो कुछ नहीं करना है सबसे बड़े अनुपात को एल सी एफ आप एचसीएफ से सबसे बड़े अनुपात को एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास जो है नंबर हो जाएगा यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी यानी अगर आपसे पूछता कि पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करो तो दोनों को ठीक है दोनों अनुपातों को जो है एच से ठीक है एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो है दोनों की दोनों संख्या ज्ञात हो जाती पर हमें सबसे बड़ी याद करनी है तो सबसे बड़ा अनुपात है चार चार को मल्टीप्लाई करोगे चार चार दोनों आठ कितना चौरासी जो है दूसरी संख्या होगी ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर चौंतीस है दो संख्या का योग चालीस है उनका अंतर छह है तो सबसे बड़ी संख्या होगी यानी ए प्लस पी जो है यानी दो संख्या का योग कितना है 40 है ए माइनस पी यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है 6 है अब 6 क्या है अंतर है यानी एक संख्या जो है या तो ए या तो पी ठीक है या तो ए या तो बी 6 बड़ी होगी एक संख्या से ठीक है यानी 6 जो है अंतर आ रहा है यानी एक संख्या जो है ए और बी में से एक संख्या जो है 6 बड़ी होगी तो मान लेते हैं ए जो है 6 बड़ी है बी से अब कुछ नहीं करना है और ए और बी ठीक ठीक है 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 अब अब ए और बी जो में 6 माइनस कर दो कितना कितना आ आ आ गया 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 जल्दी से अब ए और बी जो है इक्वल है 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 याद रखना ए और बी जो है, बराबर है, अब संख्या कितनी है? दो है, तो बटा दो कर दो चौतीस में से 34 में से दो कर दिया, कितना गया? गया। अब जो है, बी मान लो कितनी है बी हमने माना। अब बोला क्या था चौंतीस दोनों ए और बी का भाग जो है 34 में बराबर है बराबर भाग है तो 34 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा कि मान लो ए थी 17 तो बी भी 17 थी ठीक है दोनों 17 17 थी अब मैंने बोला था कि 6 का अंतर है यानी एक संख्या जो है 6 अधिक होगी तो 6 हमने माना था कि ए जो है 6 अधिक है तो 17 6 कर दो कितना होता है 23 होता है तो 23 इसका जो है सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तेईस होगी तेईस आपके सामने क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ध्यान से करोगे सिंपल सिंपल बहुत सा क्वेश्चन है बोलता सात हजार का दस प्रतिशत वार्षिक दर की ब्याज से तीन वर्ष का चक्रविधि ब्याज क्या होगा फॉर्मूला आपको बता देता हूं ठीक है अब ये चक्रविधि मिश्रधन का चक्रविधि मिश्र धन का फॉर्मूला है जो कि आपके पास है पी इन टू वन आर हंड्रेड और टी <coughs> पी हमारे पास कितना सात हजार अब इसे सॉल्व कर लो ये कितना आर प्लस आर कितना है दस है दस बटा सो आ जाएगा ठीक है इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा ग्यारह बटा दस आ जाएगा ग्यारह बटा दस, दस आ जाएगा जिसकी पावर कितनी होगी जिसकी पावर तीन होगी यानी ग्यारह बटा दस मल्टीप्लाई ग्यारह बटा दस ग्यारह बटी दस ग्यारह का क्यू आपको पता होगा निकाल सकते हो पर यहां से मैं तीनों की तीनों बटी याद रखना ये तीनों की तीनों जीरो मल्टीप्लाई करो इस ग्यारह से कर मल्टीप्लाई करो तो कितना सात सात और सात सात कितना गया सात सात चौदह एक आठ कितना गया आठ सैतालीस आठ सैतालीस कितना आठ सैतालीस आ गया फिर से ग्यारह सौ मल्टीप्लाई करो सात चार आठ कितना सात आठ सात चार आठ ठीक है सिंपल सा आएगा अब आपको मैं सिंपल सा करके बता रहा हूं ठीक है आप पैसे ना नहीं कि मैं वैसे कर रहा हूं ठीक है बाकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो मैं भी कर रहा हूं ठीक है सात सात चार कितने होते हैं ग्यारह होते हैं एक कैरी आ गया आठ चार बारह एक तेरह तेरह एक कैरी बचा आठ एक कितने नौ कितना स्तानबे तेरह स्तानबे माफ कीजिए सत्रह में, में माइनस आपको क्या करना है मैंने बोला था मिशन धन आएगा चक्रविधि धन आएगा तो स्तान में तेरह को आपको किस में माइनस कर देना सात हजार में माइनस कर दो तो एक सत्रह ठीक है तीन सौ सत्रह तो कैरी ही रहेगा सात में कितने दो दो आ जाएंगे यानी सत्रह जो है टोटल ब्याज यानी मिश्र धन जुड़ेगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट कर लीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर छब्बीस छत्तीस जो है ध्यान से सुनिएगा ठीक है ध्यान से क्वेश्चन नंबर छत्तीस करिएगा यदि एक पहिया चार हजार चक्कर लगाने पर पैंतालीस किलोमीटर चलता है तो दूरी तय करता है तो पहिये की त्रिज्या क्या होगी यानी आपको जो है आर ज्ञात करना है एक पहिया है ये पहिया है कितने चक्कर करता है ये चार सौ चक्कर चार हजार चक्कर चलता है कितना पैंतालीस किलोमीटर कितना चार हजार चक्कर चला कितने पैंतालीस किलोमीटर अब किलोमीटर आंसर तो हमें मीटर में दिया गया है तो क्या करो बदलो फिर तो चार हजार चक्कर किसके बराबर आ जाएंगे पैंतालीस हजार मीटर के बराबर आ जाएंगे और एक चक्कर कितने के बराबर पैंतालीस हजार बटा चार हजार दो जीरो से दो जीरो एक चक्कर कितने के बराबर होगा पैंतालीस बटा चार के बराबर होगा अब ये एक चक्कर क्या है ये एक चक्कर जो है वृत्त का क्या है वृत्त की प्रीधि है क्या है वृत्त की प्रीधि है ये पूरी यू है वृत्त की परिधि है ये प्रधि क्या होती है प्रीति ये जो है बाहर वाली ये बाहर वाली जो भी होती है ये होती है तो वृत्त की प्रीधि कितनी है पैंतालीस हमें जो है ज्ञात ज्ञात करना है करने के लिए जो आपके पास जो है सिंपल सा फॉर्मूला है प्रीति ज्ञात करने के लिए ठीक है प्रीधि का जो फॉर्मूला होता है या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है टू पाई आर होता है क्या होता है टू पाई आर होता है प्रीधि हमारे पास कितनी है पैंतालीस वटा चार है और दो वटा बाईस वटा सात माफ़ी गुणा आर हो जाएगा यहाँ सॉल्व करोगे तो आर आपका एक तरफ आ जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ आपका पैंतालीस वटा सात हो जाएगा और बाईस वटा बाईस मल्टीप्लाई चार आपका हो जाएगा सिंपल था है। जितना काटता है काटो ठीक है जल्दी से उतना काटो पैंतालीस को मल्टीप्लाई करोगे पैंतीस से कितना आएगा तीन सौ पंद्रह आएगा और दो दुनिया छतालीस ठीक है चौताली चौतालीस हो जाएगा और चौतालीस को मल्टीप्लाई करोगे चार से कितना जाएगा? एक सौ छिहत्तर कितना जाएगा? एक सौ छिहत्तर आ जाएगा अब आर आपके पास क्या है तीन सौ पंद्रह सौ छिहत्तर जल्दी से सॉल्व करें और इसे सॉल्व करके बताओ कितना राइट आंसर आएगा इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा इतना आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सैंतीस करते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतीस आपके सामने है एक गांव की जनसंख्या आठ हजार है प्रति यदि प्रति वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि हो यहाँ वृद्धि याद कर लीजिए प्रति वर्ष है कितने की वृद्धि हो रही है दस प्रतिशत की वृद्धि हो तो दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा p इंटू वन अपॉन आर वो और t ठीक है ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा r हम जो है ठीक है r यही निकाल देते हैं बटा आर आ जाएगा आर कितना है दस या दस बटा सो आ जाएगा जीरो से जीरो बटा कितना आ गया ग्यारह बटे आपका आ गया कितना आ गया ग्यारह बटा दस आ गया तो कितना आठ हजार टोटल जनसंख्या थी दो वर्ष बोला हुआ है तो ग्यारह बटा दस गुणा ग्यारह बटा दस दो बारी कर देंगे एक जीरो से एक जीरो दो जीरो से दोनों जीरो कट गई अब करो मल्टीप्लाई ठीक है सिंपल था मल्टीप्लाई करो एक जीरो कैरी आ जाएगी आठ सौ कितना बन जाएगा आठ सौ अस्सी बन जाएगा आठ सौ अस्सी को मल्टीप्लाई करो कि ग्यारह से कितना 2, 2, जीरो कैरी दो आठ आ जाएंगे जीरो कैरी दो आठ आ जाएंगे क्या हो जाएगा जीरो का जीरो आठ का आठ कितना आठ का आठ आट, आठ सोलह ठीक है सोलह और कैरी आठ एक नौ कितना बन गया अच्छी कितने छियानवे अस्सी नौ हजार छ सौ अस्सी जो है दो वर्ष बाद जो है किसकी जनसंख्या हो जाएगी एक गांव की जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी क्वेश्चन नंबर अट्ठतीस आपके सामने है चालीस लीटर एक मिश्रण में पानी और नमक का मिश्रण जो है तीन अनुपात एक है तो बताइए पानी की मात्रा क्या होगी ये वाटर है ये मिल्क है दो और तीन इनका अनुपात है माफ कीजिए बाटर नहीं नमक है यानी सॉल्ट है जो कि कितना है तीन अनुपात में है टोटल योग कितना है ठीक है टोटल लीटर जो है टोटल योग है पानी जो लीटर है ठीक है टोटल योग है मिश्रण का जो कि कितना है चालीस लीटर है तो अनुपातों का भी टोटल योग कर दो कितना पांच आ गया अब एक अनुपात निकालोगे कितना जाएगा चालीस बटा पांच आ जाएगा आपको निकालना क्या है हमें निकालना है क्या क्या, क्या पानी निकालना है तो मल्टीप्लाई दो कर दो क्या आठ चालीस आठ को मल्टीप्लाई करो दो से कितने सोलह होते हैं सोलह लीटर जो है पानी मिश्रण है इसमें क्वेश्चन आपके सामने यदि सात संख्याओं का औसत तप्ति है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अब सात क्रमागत संख्या है पहली संख्या होगी x दूसरी संख्या होगी x प्लस वन तीसरी x प्लस टू चौथी होगी x प्लस तीन अब पा, जो पांचवी होगी एक्स प्लस तीन चार छठी होगी एक्स प्लस छह और सातवीं आपकी होगी एक्स प्लस तीन इन सभी संख्याओं का औसत जो है कितना है इन सभी संख्याओं का औसत तो है तेतीस -ते अब क्या करना है सभी संख्याओं का टोटल योग निकाल लो अब टोटल संख्या का हम योग निकालते हैं तो टोटल एवरेज को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सात से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है कितने से सात से मल्टीप्लाई आपका कर देंगे और सात को तेतीस से मल्टीप्लाई करोगे कितना तीन सौ इकतीस आपका आएगा। अब यहां पर देखोगे एक देखोग और कितना आ जाएगा ध्यान से देखो एक और तीन एक प्लस दो कितने तीन 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 कितने छ प्लस चार कितने दस हो गया और दस और ग्यारह कितने होते हैं इक्कीस होते हैं क्या बन जाएगा सात एक्स प्लस इक्कीस ठीक है इक्कीस हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा दो आपका हो जाएगा 21 माइनस कर दो 21 माइनस हो गया कितना आ गया 210 आ गया सात एक्स बराबर कितने के बराबर हो गया 210 और x किसके बराबर हो जाएगा 210 सौ दस बटा सात के बराबर हो जाएगा कितने सात के बराबर सात से कर दोस एक्स कितने के बराबर है x आपका 30 के बराबर है सबसे बड़ी संख्या बोलिए सबसे बड़ी संख्या क्या थी एक्स प्लस सिक्स थी यानी तीस प्लस छे कितने होते हैं छत्तीस होते हैं तो छत्तीस इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर चालीस आपके सामने है एक आयत की लंबाई में 10% प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में 10% प्रतिशत की कमी हो या कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की हानि होगी अब डबल परसेंटेज है और बोलता है कि पहले जो आयत इस प्रकार का था जिसकी 100 थी ये 90 थी ये 100 थी ये 90 थी अब बोलता है इसकी लंबाई में लंबाई जो है कितनी होगी लंबाई जो है 110 होगी पर इसकी चौड़ाई जो है 80 होगी तो बोलता है कि अब जो है इसके क्षेत्र फल में कितने प्रतिशत की हानि या वृद्धि होगी जल्दी से हमें बताइए अब याद रखना डबल परसेंटेज में क्वेश्चन जब भी पूछे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक फॉर्मूला लग सकता है जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था यानी पिछले वाले बोल टेस्ट पेपर में करवाया था ए प्लस वी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन हंड्रेड अब ध्यान से सुनना पहले बोल रहा है वृद्धि हो रही है यानी ए जो आएगा प्लस में आएगा प्लस B, आपका बोलता है दस प्रतिशत की कमी हो रही है दस प्रतिशत की कमी हो रही है तो क्या होगा माइनस माइनस आएगा आएगा कितना इसी दस आएगा, तो सौ साल्फ हो जाएगा। अब जीरो से जीरो, ये जीरो से प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा माइनस एक बटा एक हो जाएगा नहीं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक ही हो जाएगी यहां प्लस है है माइनस ओपन करोगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दस, 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 क्या हो जाएगा ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे कितनी हो जाएगी माइनस के ग्यारह और प्लस दस इसे माइनस करोगे क्या आएगा माइनस एक आएगा माइनस एक आएगा तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है एक प्रतिशत की हानि हो रही है अगर प्लस में आता ठीक है आंसर जो है प्लस में आता तो लाभ होता आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगी इस बात का याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इकतालीस आपके सामने है बारह हजार की राशि बीस प्रतिशत की दर से दो वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी सिंपल था क्वेश्चन है बारह हजार दो वर्ष में कितना दो जीरो दो जीरो कटा चालीस आ गया चालीस मल्टीप्लाई बारह करो यानी एक सौ बीस करो दो जीरो तो कैरी आ जाएगी चार दो आठ चार एकम चार कितनी अड़तालीस सौ अड़तालीस सौ जाए इसका राइट आंसर नहीं होगा मिशन धन में याद करना यानी बारह हजार में अड़तालीस सौ करो यानी कितना हो जाएगा सोलह कितना हो जाएगा सोलह आठ सौ कितना हो जाएगा सोलह आठ सौ इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना सोलह आठ सौ इसका राइट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोलता है बोलते हैं सात चार आठ और सात का स्थानीय मान बोला है जिसका भी स्थानीय मान बोला है उसके पीछे जितने भी नंबर होते हैं उसके पीछे आपको उतनी ही जीरो ले लेनी होती है नहीं आठ के नीचे कितनी तीन, तीन नंबर हैं तो कितनी जीरो आ जाएंगी आठ के साथ जो है तीन जीरो आ जाएंगी सात के बाद एक पीछे एक नंबर है तो कितनी जीरो आ जाएंगी सत्तर आ जाएंगे आठ हजार में और सत्तर में जो है आपको माइनस करने हैं तो कितना हो जाएगा यहां से तो आपका जीरो कैरी रहेगा यहां से आपका कितना आ जाएगा यहां पर दस आएगा यहां तीन कैरी आ जाएगा यहां से नौ आ जाएगा यहां से, से सात आ जाएगा कितना सात हजार नौ सौ तीस है इसका राइट आंसर आ रहेगा क्वेश्चन नंबर तैतालीस आपके सामने चार नो सोलह पच्चीस आप ये भी सिंपल था दो का स्केर तीन का स्केयर, चार का स्केयर, पांच का पच्चीस छह का कितना छत्तीस होता है छत्तीस इसका राइट आंसर आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो चौबीस छत्तीस अट्ठाईस से पूर्णता विभाजित हो जाए तो शुरू करते हैं चौबीस चौबीस छत्तीस और अट्ठाईस से सबसे बड़ी संख्या यहां पर छे है तो छे चुके चौबीस होते हैं छे चुके छत्तीस होते हैं पर छे अट्ठाइस से नहीं करते छे अट्ठाइस से नहीं करते उससे सबसे बड़ी संख्या है आ, चार उस सबसे बड़ी। अब के बाद सबसे बड़ी बड़ी अब के बाद संख्या आपकी आठ चार चार से आपका कट जाता है चौबीस होते हैं कट गया छे से नौ चौके छत्तीस होते हैं नौ से कटा अब सात चुके अट्ठाइस होते हैं सात से भी कट गया यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी चार होगी तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर पैंतालीस आपके सामने 120 मजदूर एक काम को 120 मजदूर जो है एक काम को कितने काम को 60 दिन में करते हैं तो 80 मजदूर जो इस काम को कितने दिन में करेंगे दो से कटा चार से आठ चार बारह दो से काटो कितना तीस आ गया तीस तीन मल्टीप्लाई तीन कितने हो गए नौ हो गए एक जीरो कैरी आगी नब्बे राइट आंसर हो गया अब सेक्शन डी डिस्कस करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन आपके सामने है आठ सोलह चौबीस और बत्तीस प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ आगे भी क्या होगा प्लस आठ होगा कितना हो जाएगा आठ पंजे चालीस आठ के बाद आठ दूसरे सोलह आठते चौबीस आठ चौके बत्तीस आठ पंजे चालीस तो चालीस आपका नीचे आ जाएगा अब नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा ए बी सी डी अब क्या कर रहा है डी से उल्टा कर लो डी सी बी एनि उल्टा लिख रहा है उसी तरह पी क्यू आर एस को क्या कर दो उल्टा कर दो एस आर क्यू पी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का क्वेश्चन बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर आता है अब ध्यान देखिएगा के के बाद लिखोगे ठीक है के से एस के बीच के के बाद आता है आपका के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस यहां से मैंने के का आता यहां से मैंने एस का यहां से मैंने L काटा यहां से एक, एक और काटा यहां से मैंने एम काटा यहां से पी कटेगा क्यू कटेगा माफ कीजिएगा यहां से एन काटा तो यहां से पी काटा बीच में क्या बचा पीच में आपका ओ बचा तो o इसका जो है क्या होगा ओ इसका राइट right आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बतालीस आपका राइट आंसर क्वेश्चन आपके लिए है इंपॉर्टेंट है राइट आंसर ठीक है सिंपल था क्वेश्चन है पर ध्यान से देखोगे पता लग जाएगा ध्यान से सुनो जय ने अपनी पुत्र विजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी मां तुम्हारी मां की इकलौती पुत्र है उसकी मां यह बंदे की मां है तुम्हारी मां और ये मोहन है और उसकी मां है मा, तुम्हारी मां तुम्हारी मां नहीं उसकी मां उसकी मां ये लड़का है कोई लड़की है उसकी मां तुम्हारी मां की एक पुत्री है तुम्हारी मां की तुम्हारी मा की ये मोहन की की मोहन है 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 इसकी क्या है? पुत्री है। पुत्री की क्या पुत्री 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 एक एक लोती लोती ये लड़की है क्या है है एक लड़की है। तो बताना है आप उसको किस तरह से बताओगे कि विजय का उस औरत से क्या संबंध है क्या लगेगी बहन लगेगी मदर लगेगी वाइफ लगेगी या फिर पुत्री लगेगी सिंपल सा क्वेश्चन है जल्दी से राइट आंसर इसका बता दो क्या राइट right आंसर इसका बताओ अब इसकी माँ इसकी लोती ठीक है जल्दी से राइट आंसर बताओ क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा क्या रहेगा क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर पचास आपके सामने ध्यान सुनेगा मैं यहां पर उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व और सीधा क्वेश्चन पर आ, करता हूं ठीक है ये बिंदु मैंने बना लिया बोलता है कि अपने घर से चलना शुरू करता है कोई व्यक्ति जो जो है है या फिर राम जो है अपने घर से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम पश्चिम इस देश में है दिशा में चार किलोमीटर चलता है यहां चला कितना चार किलोमीटर कितना चला चार किलोमीटर चला फिर वह दाएं ओर मुड़ा दाएं ओर कौन सा होगा इसका लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट साइड कहां पर है ऊपर की ओर है लेफ्ट साइड चलता है कितना चार किलोमीटर कितना चलता है चार किलोमीटर चलता है यहां तक जो है वह चार किलोमीटर फिर से चल लिया चलता है फिर वह दाएं और मुड़ता है दाएं यानी राइट साइड मुड़ता है अब जो है मुंह जो है राइट साइड की तरफ है तो बताइए कौन सी दिशा में है कौन सी दिशा में जल्दी बताइए तो यहां कौन सी दिशाव? इस तरफ कौन सी दिशा है पूरब दिशा है कौन सी है ईस्ट है तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट रहेगा अब जल्दी से सभी दोस्त जल्दी से पहले तो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए सेशन को लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो वीडियो पसंद को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है और जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों राइट थे सेशन पसंद आए तो सेशन को तो जरूर लाइक और शेयर करना है चलिए दोस्तों मिलते हैं और शानदार वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने घर का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत